दोस्तों, बारिश के अंदर मैं लाइव वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जानते हैं क्यों मुझे आप लोगों की चिंता है? एक छोटा सा विषय दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसे शेयर भी करिएगा वीडियो को, बहुत गहरी बात है। जैसे ही लॉकडाउन लगा, हमारा भ्रम टूट गया दोस्तों। दरअसल हम भूल में जीते थे, पेट्रोल हमारे लिए कीमती है, पर देखिए लॉकडाउन में पेट्रोल पंप बंद है, हम जी रहे हैं। इससे पता चलता है दोस्तों, हमारे बगैर पेट्रोल की कोई कीमत नहीं। फास्ट फूड हम लोग खाकर जीते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन, हमें लगता था इनके बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं है, पर देखिए आज इनके बगैर हम जी रहे हैं। बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, होटल बंद हैं, आज हम अपने घर में अपने परिवार के बीच जी रहे हैं। हम भूल में थे दोस्तों कि हम बगैर शॉपिंग करे, बड़े बड़े मॉलों में जाए बगैर रह नहीं सकते। दोस्तों, दरअसल प्रकृति हमें संदेश दे रही है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को अगर दोबारा अपना लें तो जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। हम भूल में थे। अब देखिए दोस्तों, नदियां साफ हो गई, खुद ही साफ हो गई, और हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नदियों को साफ नहीं कर पाते। नदियां साफ हो गई, पेड़ दोबारा हरे भरे हो गए, हम लोगों ने तो जंगलों को काट दिया, पक्षी भी दोबारा आ गए इस दुनिया में, कितनी सुंदर दुनिया नज़र आती है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेट्रोल के जरिए, दूसरे ईंधनों के जरिए, और हम लोग प्रकृति के साथ जीते ही नहीं, हम तो यंत्रों के साथ जीते, हम आदि हो गए यंत्रों के। यंत्र समझते हैं ना, डिजिटल, डिजिटल दुनिया, खतरनाक भी है डिजिटल दुनिया, रेडिएशन भी छोड़ती है डिजिटल यंत्र, हमारे शरीर के लिए हानिकारक। हम भूल में थे दोस्तों कि पिज्जा बर्गर चाउमीन, बड़े बड़े होटल, सिनेमा हॉल, यही हमारी लाइफ है। नहीं, हमारी लाइफ थी नहीं दोस्तों, ये तो आर्टिफिशियल लाइफ थी जिसे हम जिए जा रहे थे। हम भूल गए थे, लंबी लंबी गाड़ियाँ खरीदने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाना चाहते हैं। एक साधारण जीवन जीने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। जीवन जीना मकसद होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हम लोग तो स्टेटस के लिए जी रहे हैं। और आज देखिए, रेल बंद, हवाई जहाज बंद, और फिर भी दुनिया तो चल रही दोस्तों, हम भूल में जी रहे थे। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, और आगे की वीडियोस के लिए इस वीडियो को शेयर भी करिए, और मुझे सुझाव भी दीजिए कि और किस विषय पर मैं आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत।